दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड मैप सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बाउंड्री ड्रा कर लें ताकि ये पता चल सके कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं और कितने देश आते हैं और इनकी बाउंड्री क्या है। तो यहाँ से हम शुरू करें, चाइना के नीचे के पोर्शन से शुरू करते हुए। ये म्यांमार का पोर्शन, फिर ये, और ये इंडोनेशिया। यहाँ से होते हुए आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मतलब ओशिनिया के ऊपर से होते हुए ये फिलीपींस जो येलो कलर का दिख रहा है, ये हैं इतने देश जहाँ जो हमने बताया है दक्षिण पूर्व एशियाई देश। और 10 देश हैं इसमें, और सभी जो देश हैं कुछ खासियत लिए हुए हैं, हर देश के कुछ स्पेशल फीचर हैं, इसलिए परीक्षाओं में इस भाग से काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, पूर्व में भी भविष्य में भी पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने इसके पूर्व के वीडियो में देखा था, हमने जो दक्षिण एशियाई देश थे उनका संगठन सार्क के बारे में देखा था, ऐसे ही इस वीडियो में हम देख लें कि जो ये देशों का समूह है, यह इन्होंने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रगति के लिए एक संगठन बना के रखा है जिसे बोलते हैं आसियान। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन आसियान है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है इस समय वो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। तो ये हमने देख लिया कि इन देशों का संगठन आसियान कहलाता है, जानना बहुत ही आवश्यक है। और आओ अब हम इस पे एक एक कंट्री पे डिटेल्ड में देखें। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है म्यांमार, जैसा आप देख रहे हैं इसकी कैपिटल नेपिटाऊ है, और यह अपने बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आप बौद्ध मंदिर इसमें देख भी पा रहे हैं अपने इसमें मैप में कि बौद्ध मंदिर बने हुए हैं। अगला कंट्री है फिर थाईलैंड, येलो कलर में जो दिख रहा है, इसकी कैपिटल जो है वो है बैंकॉक, और यह अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा देश हम देखें तो ये आता है कंबोडिया, इसकी कैपिटल है नोम पेन। और इसमें जो खास बात है कंबोडिया में, आप देख रहे हैं कि पूरे कंट्री में एक बीच में मंदिर बना हुआ है। ये आप यदि मैं चित्र बनाऊँ, ये पूरा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर खास महत्व रखता है पूरी दुनिया में। इस मंदिर का नाम जो है अंगकोरवाट मंदिर, यह विष्णु मंदिर है। इसकी खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा विशाल प्रांगण वाला जो है हिंदू मंदिर है। पहले यह विष्णु मंदिर के रूप में बना था, बाद में इसका कुछ भाग बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनाया था। खमेर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था कभी यह भाग। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में इस मंदिर को शामिल किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और एक ख़ास बात कि जो इस मंदिर है इसको कंबोडिया ने अपने राष्ट्रध्वज में, मतलब नेशनल फ्लैग में शामिल किया, स्थान दिया है। अब हम बात करें इसके बाद इस शहर की, लाओस, जैसा कि आप देख रहे हैं लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। इस कंट्री की खास बात यह है कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया का अकेला ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है। आप देखें इसको, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। ये एकमात्र देश है दक्षिण इन दस देशों में जो लैंड लॉक्ड है, अन्यथा सभी देशों की सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं। फिर हम बात करें वियतनाम की, वियतनाम की कैपिटल है ये वियतनाम, ग्रीन कलर में कैपिटल है हनोई, हालांकि इसका एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है हो ची मिन्ह सिटी। देन फिर हम आए नीचे, इसमें कंबोडिया भी हो गया था, ये थाईलैंड भी हो गया। अब हम जाएं यहाँ मलेशिया पे, तो जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं मलेशिया है। मलेशिया भी द्वीपों में बटा हुआ है, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा मलेशिया। इसकी कैपिटल जो है वो है कुआलालंपुर। और ये भी मैं बता दूं आपको कि जो इंडोनेशिया है इसके नीचे मलेशिया है, और अभी जो थाईलैंड की चर्चा की है, ये विश्व के प्रमुख रबर उत्पादक देश हैं। फिर हम बात करें मलेशिया के नीचे एक छोटा कंट्री आपको दिखेगा सिंगापुर, जो स्वतंत्र कंट्री है जिसकी राजधानी भी है सिंगापुर सिटी। कैपिटल कंट्री का नाम भी सिंगापुर और उसकी कैपिटल का नाम भी सिंगापुर सिटी। फिर हम देखें इंडोनेशिया, जो इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का मतलब सबसे बड़ा देश है। ये पूरा द्वीपीय देश है,
17,500 द्वीप हैं इसमें, जिसमें लगभग 300 द्वीपों में, लगभग 3,000 द्वीपों में जीवन है, मतलब लोग रह रहे हैं, बाकी द्वीप खाली खाली हैं। और उनमें सबसे बड़े द्वीपों की बात करें तो इसमें 3 द्वीप काफ़ी बड़े हैं। एक तो बोर्नियो है, जो आप जैसा देख रहे हैं, बोर्नियो इंडोनेशिया का प्रमुख। दूसरा द्वीप है जावा, जो कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जावा, इसके ऊपर जावा सागर भी है। और तीसरा है सुमात्रा, ये है सुमात्रा। इंडोनेशिया की खास बात हमें देखना पड़ेगा, द्वीपों के बाद हम देखें। अभी जो इसकी कैपिटल है वो है जकार्ता, जो जावा द्वीप में है ना, बाली द्वीप, ये जकार्ता। अब चूंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण न जाने कितने साल चलेगा, जब भी समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा कभी न कभी ज़रूर डूबेगा। अतः अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपनी कैपिटल बदलने का ऐलान किया है, इसको जो है बोर्नियो में, ये जो दिख रहे हैं आप बोर्नियो, इसका यहाँ पर इस एरिया में ईस्ट का कालीमंतन प्रोविंस है, यहाँ पर कहीं कैपिटल बनाई जाएगी। इंडोनेशिया की एक बात और खास है, आपने इसमें देख लिया कि पूरा द्वीपी है, नंबर वन, नंबर देख लिया कि कैपिटल चेंज करने का भी चल रहा है। तीसरा इसका एक प्रमुख शहर है जो जकार्ता के बगल में ही है, बाडुंग, ये देख रहे हैं आप बाडुंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर इंडोनेशिया का। ये सिनकोना के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सिनकोना मिलती है दवा, जो उस ये वही सिनकोना जिसे कुनैन बनाई जाती है, और ये कुनैन मलेरिया उपचार में काम आता है। अब हम देखें, इसी से लगा हुआ एक छोटा कंट्री और है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी, है ब्रुनेई जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी। इसके ऊपर जहाँ तो एक मिलेगा आपको फिलीपींस, ये जो है ये भी पूरा द्वीपी है कंट्री, ये फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला। इसकी खास बात तो ये है, एक तो मनीला के बारे में मैं बता दूँ आपको फिलीपींस में, कि यहाँ विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर है। और एक खास बात यह है कि पैसिफिक ओशन की जो सबसे गहरी ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच, वो भी यहीं पर पाई जाती है, इससे लगी हुई। एक और कंट्री है नीचे, अब हम जाएंगे तो ईस्ट तिमोर, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। यदि हम इसके बाउंड्रीज में देखें तो नीचे आपको इसके साउथ एशियन के नीचे जो दक्षिण में आ जाएगा वो है ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। इधर पैसिफिक ओशन लगा हुआ है ना, और इधर क्या है, इंडियन ओशन लगा हुआ है। वर्ल्ड मैप सीरीज़ की अगली श्रृंखला में हम एशिया के पूर्वी हिस्से का अध्ययन करेंगे, जिसको वर्ल्ड मैप में मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है।